हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शताब्दी स्क्रीन लाइफ। आज मैं आपके साथ मूनशाइन सेंसेवेरिया मदर इन लॉ टांग प्लांट, इसको बोल सकते हो, इसका मैं पॉटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो फर्स्ट मैं बोलती हूँ, हम जब स्नेक प्लांट नर्सरी से लाते हैं तब इसका मिट्टी आपको फर्स्ट चेक करना है। ज़्यादातर नर्सरी में जो मिट्टी बना के, जो ये सेंसेवेरिया एक सकुलेंट वैरायटी का है, वो सकुलेंट प्लांट को प्लेस करते हैं, वो परफेक्ट सॉइल नहीं होते हैं, वो चिकनी मिट्टी होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, जो वाटर है वाटर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इसके लिए इसका जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं उसका रूट रोज का प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। हम तो देख के लाते हैं बहुत सुंदर हेल्दी प्लांट्स, लेकिन हम जब घर में लाते हैं तो क्या होते हैं, हम जब पानी देते हैं नीचे का जो पोषण का जो पानी है, बहुत टाइम लगता है इसको सूखने में, और इससे इसका रूट रोस्ट शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इसलिए देखिए, मैं दिखाती हूँ, ये जो सॉयल है, ये सॉयल ये सकुलेंट प्लांट्स के लिए परफेक्ट सॉयल नहीं होते हैं। सकुलेंट सॉयल मिक्स बना के फिर आप इसको रिपोर्टिंग करना, क्योंकि जितने दिन आप इसको रखोगे, और इसका जब देखिए ये जो प्लांट है इसको पोटिंग किए है, इसका 3-4 लीव्स नीचे तक दबा है, तो इससे क्या होते हैं, धीरे धीरे प्लांट्स का जो ये लीव्स होते हैं, लीव्स ख़राब होने लगते हैं। इसके बाद धीरे धीरे ये पूरे प्लांट ही गल जाते हैं। इसलिए जब भी आप इसका सॉयल मिक्स बनाओगे, परफेक्ट सॉयल मिक्स बनाना जो है सकुलेंट सॉयल मिक्स और ड्रेनेज वाली सॉयल मिक्स, जिसमें परलाइट और जो रिवर्सन है रिवर्सन का क्वांटिटी ज़्यादा हो। मैं अब दिखाऊंगी कैसे सॉयल मिक्स में इसको प्लेस करना है, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। तो जब भी आप सकुलेंट प्लांट को प्लेस करोगे, ज़्यादा बड़े गमले में इसको प्लेस नहीं करना, इसके साइज़ के हिसाब से आप प्लेस करना, और ड्रेनेज जो होल है इस होल को आप चेक करना, क्योंकि ये ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं सकुलेंट प्लांट के लिए। ड्रेनेज होल ना हो तो पानी ड्रेन नहीं होते हैं और प्लांट्स रूट रोट्स हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कैसे इसको आप पोटिंग करोगे। पहले तो एक ठीकरी आप दे देना ड्रेनेज होल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसको ऐसे नहीं देना, इसको ऐसे प्लेस करना ताकि नीचे का होल पूरे कवर ना हो और आराम से ये वाटर नीचे तक चले जाए। और ये जो सॉयल मिक्स है सकुलेंट सॉयल मिक्स, ये मैं घर पे बनाई हूँ, परलाइट रिवर्सेंट और इसमें भार्मी कंपोस्ट और रेगुलर गार्डन सॉइल जो होते हैं वो वाली सॉइल मिक्स मिलाई हूँ, और फंजीसाइड थोड़ी सी और नीम खली, और ये सकुलेंट सॉइल मिक्स में खरीद के लाई हो, इसको भी मैं इसके साथ मिक्स करूँगी। इसके बाद ये दोनों मिक्स करके मैं इस प्लांट को प्लेस करूँगी। इसमें देखिए चारकोल है, परलाइट है, परफेक्ट जो सकुलेंट सॉयल मिक्स। इसी वाली सॉयल में आप जब अपने सेंसेवेरिया कहो या कोई भी कैक्टस, कोई भी सकुलेंट वैरायटी का जो प्लांट्स होते हैं इसको प्लेस करोगे, तो प्लांट्स कभी भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि सकुलेंट प्लांट ज़्यादातर ख़राब होते हैं इसके ओवर वाटरिंग की वजह से, और वाटर प्रॉपर ड्रेनेज ना हो तो उसकी वजह से ये प्लांट ख़राब होते हैं। Thank you.
और ईयर पॉकेट ना रहे उसका भी आप ध्यान रखना। को रिपोर्टिंग करने के बाद अब धीरे धीरे साइड साइड से ऐसे वाटरिंग कर देना। तो पहली बार जब वाटरिंग करोगे वाटर को ड्रेन होना चाहिए। तो ऐसे आप अपने सेंसेवेरिया को प्लेस करना और परफेक्ट सोयल मिक्स बनाना। सेंसेवेरिया का ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होते, बस आप इसका सोयल को चेक करके सोयल को आप इसको सोयल में आप इसको प्लेस करना। मेरे एक वीडियो सेंसेवेरिया के केयर के ऊपर है, तो आप उसको देख सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो बताना ज़रूर, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।